मेरे पास जीवन में सब कुछ है, अच्छा परिवार है, अच्छा करियर है, समृद्धि है, पर फिर भी लगता है कुछ कमी है। पर ये नहीं पता कि क्या मिसिंग है। क्या ये संभव है कि ये फीलिंग ना रहे? आप भाग्यशाली हो, नहीं तो आप तृप्त हो जाते, जड़ हो जाते। जब लगता है कुछ और है जीवन में, कुछ और चीज की कमी है, वो आपको जीवित रख रहा है। फिर वो आपको एक खोज के पथ पर ले चलता है। सब संभावनाओं के क्षेत्र आपके सामने खुलने लगता है। ये आवश्यक है, आप भाग्यशाली हो, इतना मानो कि आप जो भौतिक चीजों से तृप्त नहीं होके बैठ गए, अब अंदर की पुकार है, आत्मा की पुकार है, कुछ और है जीवन में, कुछ और रस है, कहीं और रस है। यह तड़प बहुत आवश्यक है, यही तड़प आपको एक विज्ञानी बनाता है, यही तड़प आपको एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है। गुरुदेव, राम विश्राम में मिलते हैं, तो सारा प्रयत्न विश्राम पर ही रखना चाहिए ना? और कुछ करने से विश्राम भंग हो जाता है। मुझे तो विश्राम ही मुख्य लक्ष्य लगता है। क्या मेरा सोचना ठीक है? बिल्कुल सही बात है, मगर मुझे विश्राम करना, विश्राम करना करना, इस तरह का ज्वर ही वो विश्राम नहीं करने देती आपको, है ना? शारीरिक विश्राम को ही विश्राम मत समझिए। जब मन शांत होता है वही सच्चा विश्राम है। जब मन में और तृप्ति मिलती है वही सच्चा विश्राम है। जब आप ये हो जाते हो, मैं तृप्त हूँ अभी, इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जो भाव ही आपको गहरी विश्रांति पर ले जाएगी। इस वक्त मैं तृप्त हूँ, आज भोजन कर लिया, आज मैं तृप्त हूँ। अब आज भोजन अभी पूरा नहीं हुआ, अब अगले साल के भोजन के बारे में सोचते रहेंगे तो कहाँ विश्राम मिलेगी? तो तृप्ति, जितनी मात्रा में जीवन में हम तृप्त होते हैं, उतनी गहराई से हमें विश्रांति प्राप्त होने लग जाती है। इसलिए घड़ी घड़ी तृप्त होना। हाँ, फिर ये होता, अरे तृप्त हो जाएं तो हम आलसी ना हो जाएं, ऐसा शक होता है, तो ये जरूरी नहीं है।